नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं यहाँ पे ये देखिए ये डब्ल्यू सी दिखाई दे रहा है और इसमें जो है दोस्तों प्लस में पानी नहीं आ रहा है। तो इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना शुरू से लास्ट तक। और चैनल पे पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पे क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपका जो भी सवाल रहेगा क्वेश्चन टाइप करना, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। और दोस्तों अगर आप ये डब्ल्यू सी का प्लस का कोई भी पार्ट ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एफिलिएट मार्केटिंग का, वहां से क्लिक करके आप कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये डब्ल्यू सी है और यहाँ पे देखिए ये एकदम वाल्व यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे देखिए पानी नहीं जा रहा है, ये देखिए इसको मैं हटा दिया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा ब्लैक जो है ये कचड़ा इसके अंदर आ गया है, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा सा खराब है इसलिए यहाँ पे काला काला लेयर जमा हुआ है। तो सबसे पहले इसको साफ करना है। और ये चीज जो है दोस्तों यहाँ से जब ये यहाँ से इस तरह से ऊपर उठता है तो जो है दोस्तों यहाँ पे पानी गिरना बंद हो जाता है और जब ये नीचे जाता है तो पानी भरने लगता है। तो इसके अंदर कचड़ा जमा हुआ है, सबसे पहले ये पूरा कचड़ा मैं साफ करूंगा, उसके बाद यहाँ भी साफ करूंगा, तब यहाँ से एयर मिलेगा तब पानी आएगा इसमें। ये देखिए इसको इस तरह से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, सबसे पहले साफ कर लेंगे। ये देखिए ये फ्लश वाल्व है, इस फ्लश वाल्व को भी खोल लेंगे, इसको नीचे से पकड़ के इस तरह घुमाएंगे तो ये निकल जाता है, लॉक पे सेट रहता है ये। ये देखिए ये निकल गया और यहाँ पे देखिए ये पूरा काला है, सब अभी मैं साफ करूंगा। इसको भी खोल लेंगे दोस्तों, ये देखिए इसको भी मैं खोल रहा हूँ। ये देखिए पूरा इस तरह से कचरा इसके अंदर भरा हुआ है, तो सबसे पहले पूरा साफ करना है, उसके बाद में फिर दिखा रहा हूँ आपको कैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एक पार्ट को मैं खोल के धो रहा हूँ। ये जो है दोस्तों ये फ्लश वाला है, इसका ये पाइप जो है दोस्तों इसको भी निकाल के पूरी अच्छी तरह से साफ कर लेना है, एक एक पार्ट को पूरा प्रॉपर तरीके से साफ करना है। ये देखिए इस तरह से साफ कर लेना है। देखिए इसको सफाई करने के बाद ये फिक्स कर दिया हूँ मैं, इस तरह से सेट हो गया है। अब इसको मैं साफ कर लेता हूँ, जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो इसके अंदर ही है, तो इसको अभी खोल लेता हूँ मैं। इसका एक एक पार्ट मैं अलग करूँगा खोल के, देखिए ये कवर होता है इसको अलग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ एक छोटा सा रबड़ होता है, मैं वही दिखाऊंगा। और यहाँ पे नीचे एक होल होता है एयर पास करने के लिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये जो लॉक दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको लॉक को इस तरह से दबा के इसको बाहर खींचेंगे। ये देखिए इसको मैं खींच लिया और अब ये निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रबड़ का वाशर है और इसको भी मैं निकाल के साफ करूंगा, देखिए ब्लैक कलर का है, अभी निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों ये ब्लैक कलर का वाशर होता है, तो यही जो है एयर को बंद करता है और खोलता है, तो इसको मैं अलग रखता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा है, बहुत ही बारीक सा सुई के जितना होल है, यहीं से एयर मिलता है। जब इस तरह से नीचे जाता है एयर बंद हो जाता है तो पानी गिरना बंद हो जाता है, और जब ये इस तरह नीचे जाता है तो एयर मिलता है, पानी भरने लगता है। तो चलिए एक एक पार्ट को मैं साफ कर रहा हूँ खोल के, अब यहाँ से इसको निकाल देंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से घुमाएंगे, देखिए निकल आया। अब देखिए ये वाला पार्ट निकल आया, अब सबको साफ करेंगे एक एक कुछ को। ये देखिए ये निकल गया, देखिए ये भी अलग हो गया, अब इसको इस तरह से साफ कर लेंगे। देखिए ये भी अलग हो गया, तो देखिए पूरा एक एक पार्ट अलग है। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मैं साफ भी करूंगा और इसको सेट भी करूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का वाशर दिखाई दे रहा है, एयर यहीं से पास होता है, ये जो है बहुत ही ये जो है जरूरी पार्ट होता है इसका प्लस का, तो यहाँ पे इसको इस तरह से निकाल लेना है, इसको मैं क्लीन करना सिखा रहा हूँ आपको।
ये देखिए ब्लैक वाले को निकाल लिया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक होल दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ से नीडल डाल के, देखिए सुई है इससे इसको साफ करेंगे। ये देखिए नीडल यहाँ पे निकल रहा है। तो ये जो है दोस्तों दिया रहता है एयर को पास करने के लिए, अगर इसमें कचरा भर जाएगा तो पानी नहीं आएगा। साफ कर लेना है, देखिए साफ हो गया। ये कचरा है इसके अंदर, ये काला, इसको भी साफ करेंगे। पानी से इसको साफ करेंगे। ये देखिए पूरी तरह से साफ हो गया है, ये बिल्कुल इजीली जो है सुई इसमें से निकल रहा है आर पार। तो ये अब साफ हो गया। फिर ये वाशर को चेक करेंगे, देखिए इसमें भी कचरा है तो इसको भी साफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से कचरा है, इसको भी साफ करेंगे। तो अब दोस्तों ये वाशर साफ हो गया, इसको इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए ये लगा दिया मैं। अब दोस्तों इसको इसमें इस तरह से सेट कर लेंगे। दोस्तों अब मैं इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद ये प्रॉपर इसका फिटिंग कर दिया हूँ। और अब चलिए मैं सप्लाई ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये ब्लैक कलर का वाशर है, ये रबर वाशर है दोस्तों। यही जो है पानी को ऑन ऑफ करता है। यहाँ से जब इस तरह से ये ऊपर उठेगा तो एयर मिलना बंद हो जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए लॉक को लगा लिया और यहाँ से मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। ये देखिए अभी पानी गिर रहा है यहाँ पे, और जैसे ही ये ऊपर आएगा, ये देखिए ऊपर आया तो ये बंद हो गया। तो आप देखिए ये पहले नहीं काम कर रहा था, अब ये प्रॉपर सही ढंग से काम कर रहा है। तो चलिए अब मैं ये WC का इसका मैं सफाई करने के बाद इसका प्लस वाल्व लगा देता हूँ। दोस्तों अब देखिए इसको मैं अच्छी तरह से साफ करने के बाद यहाँ पे मैं फिक्स कर दिया हूँ। ये देखिए अब यहाँ तक पानी भर रहा है, पहले यहाँ तक लेवल था, इसको थोड़ा सा मैं कम कर दिया हूँ, यहाँ तक पानी भर रहा है ये, और ये सही तरह से काम कर रहा है। चलिए मैं एक बार फ्लश करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्लश किया मैं, और अब देखिए यहाँ पर पानी खाली हुआ और ये भरना स्टार्ट हो गया। और अभी जब जैसे ही भर जाएगा यहाँ तक, जहाँ तक मैं लेवल सेट किया हूँ, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो दोस्तों फ्लश रिपेयरिंग का वीडियो पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। इलेक्ट्रिकल की जानकारी दोस्तों मेरे नए चैनल सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा, और प्लम्बिंग की जानकारी दोस्तों आपको मेरे चैनल टेक्निकल सोनू टिप पे मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज पे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन जो भी रहेगा टाइप करना, उसके रिप्लाई करूंगा मैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।